अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद एजाज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक हूँ। यार आज का सीन पता क्या, आज मैं घर बैठा बोर हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला ही क्यों बोर हूँ, क्यों ना अपने कुछ दोस्तों को तंग किया जाए और कुछ अपने मतलब जो करीबी लोग होते हैं उनको तंग किया जाए, उनके साथ कुछ प्रैंक कॉल्स की जाएँ। लेकिन कोशिश ये करूँगा कि कुछ फेयर किस्म का मजाक ना हो कि अगला परेशान हो जाए, कुछ मस्ती मजाक हल्का फुल्का जो डेली रूटीन के मजाक वैसे का कोई मजाक करेंगे उनके साथ। मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि कुछ दोस्तों को तंग करने का अपना ही मज़ा आता है। आप लोगों को पता है कि दोस्तों के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, वो इंसान की किसी के साथ भी नहीं होती। तो कुछ दोस्तों को तंग करेंगे और कुछ एक दो वैसे भी मेरे पास नंबर हैं तो उनको भी तंग करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे लग रहा है कि बड़ी मज़े की होने वाली वीडियो, तो बिना कोई देर के किए वीडियो को शुरू करेंगे। और चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, कुछ दोस्तों के नंबर जो है मैंने पहले ही नोट कर लिए थे, तो अब बिना कुछ देर किए उन्हें कॉल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हमारा एक कज़न है हैदर, इसे कॉल करते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। यार असल में ना इसने भी कुछ दिन पहले ना, बल्कि कल ही अभी PSL की ना टिकट्स बुक करवाई हैं। तो इसे हमने कहना है कि भाई तू ना हमें कोई टिकट विकेट वो हमें दे दे या जो भी इस कर रहे हैं। अहमद बात कर रहा हूँ जी। जी सर, जानी तूने कल टिकट्स बुक करवाई थी PSL की? हाँ। वो कहाँ से करवाई थी? ऑनलाइन। वो कोई ऐप से करवानी है? हाँ। कौन सी ऐप से? ऐप नहीं है, वेबसाइट। कौन सी? PSL ऑनलाइन टिकट्स। यार मैंने भी वो करवानी है, पर कहाँ से करवानी मुझे ना समझ नहीं आ रही। मैं भी उसी ऐप पे हूँ, लेकिन ना कोई मतलब वेबसाइट पे कोई मतलब समझ नहीं लग रही। समझ उसी को लगनी है जो क्रिकेट खेलता है। अच्छा ही। नहीं, मैच लाहौर में होना है ना, टिकट जो तूने करवाई है। यार यहाँ एक और काम कर, अपनी टिकट जो है ना वो मुझे दे दे। हाँ तो तू नाम वगैरह मेरा है ना, तो कोई नहीं वो मुझे दे दे, वो मैं तेरे नाम पे एंट्री कर लूंगा। उन्होंने तेरा CNI से देखना है। तू अपना CNI से मुझे दे दे ना। पागल हो गया? पागल वाली क्या बात है। पकड़ा जाएगा अगर रिस्क है, अगर पकड़ा गया फिर तुझे मैं टिकट करवा देता हूँ। अच्छा नहीं है? और नहीं यार ले, टिकट वो हो ही नहीं रही मेरे ख्याल से, अब उन्होंने बंद कर दिए। तू अपनी मुझे दे देना सुकून से, तू और करवा ली तुझे तो। नहीं बंद कर दी भाई, नहीं बंद कर दी, बहुत पड़ी है। तू हुक्म कर, ऑर्डर लगा। ऑर्डर उर्डर यही है कि तू अपनी, तेरे पास कितनी टिकटें हैं? 5। तू मुझे दे देना। तूने किसके साथ जाना है, कौन कौन है तेरे साथ? मेरे साथ 3 लड़के हो रहे हैं, हम 4 बंदे हैं। कौन कौन है नाम बता? वो मेरे दोस्त हैं, तुझे नहीं पता फैसलाबाद के हैं। नाम तो बता। मतलब राशिद है, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है और दनान है। तुम लोगों ने किस दिन जाना है? यार टिकट हमें जब की भी मिल गई तो अपनी टिकट्स मुझे दे देना, बात ही खत्म कर। रिस्क है, पकड़ा जाएगा, बहुत सिक्योरिटी है, तुझे पता है ना इस तरह PSL में कितनी सिक्योरिटी है। मुझे ओ यार नहीं पकड़ा जाना, तू मुझे अपनी टिकट्स करा और दफा कर मामलात को। तो जी मैं टिकट्स करवा देता हूँ, ले देता हूँ। नहीं तू अपनी मुझे दे ना। मैं खुद बुक कर देता हूँ, तेरे उसी डेट की कर देता हूँ, जिस टाइम की कहेगा तब की कर दूंगा। मेरी बात सुन ना, मैं तू अपना CNIC मुझे दे देना, मैं तेरे CNIC पे एंट्री कर दूंगा। मेरा CNIC कैसे लेगा? ओ यार तूने भी लाहौर आना ही है। हाँ तो बस मैं भी आ जाऊंगा, तेरा CNIC पकड़ लूंगा। अच्छा तूने भी उसी दिन आना है, प्लान यही बन रहा है। आ जाओ फिर इकट्ठे ही देखते हैं। जानी हाँ। तेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ, शुगर लगाऊं? यार मैंने नहीं जाना PSL देखने, वैसे एक प्रैंक वीडियो बना रहा था, मैंने कहा चलो तुझे तंग करते हैं थोड़ा सा। तू परेशान हो गया? नहीं परेशानी हो गया, मैं कह रहा हूँ क्या हो गया, तू देखने कहाँ आ रहा है? तू कहाँ जा रहा है, तू जा रहा है PSL देखने? चल फिर इंजॉय कर, तुझे पता मैं तो देखता नहीं हूँ। मैंने नहीं देखना, इंजॉय कर दोस्तों के साथ। सही हो गया, ओके अल्लाह हाफिज। अभी हमारा एक और दोस्त है हुसनैन। यार ये बंदा जो है ना, इसे इंस्टा की वो फिक्र होती है, मतलब ये इंस्टा के लिए ना कुछ भी कर सकता है। तो हमने ना इसे अभी थोड़ा सा तंग करना है इंस्टा के नाम पे ना, कि हमने इंस्टा पे से स्टोरी वोरी लगवानी है, कि इस तरह का सीन बनाते हैं इसके साथ थोड़ा सा ना। तो अभी देखते हैं क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अहमद बात कर रहा हूँ।
यार मैं पिनो पे जान गया। एक काल भी दूसरा। अच्छा पिनो, मैं ना एक जगह आया हुआ था, तो ना उधर इंस्टाग्राम की ना स्टोरी प्रमोशन की बात चल रही थी। तूने करनी है किसी की प्रमोशन? मैं किसकी करवाना? नहीं नहीं करवानी नहीं, तू अपने अकाउंट से ना किसी की प्रमोशन, एक ब्रांड है उसकी प्रमोशन करेगा। मतलब कि कोई पैसे पूसे वाला चक्कर है क्या? चक्कर है? पैसे, पैसों वाला चक्कर है। हाँ जी भाई, से दूर करेंगे। अच्छा क्या फी चार्ज करेगा? मैं क्या चार्ज करूंगा? तू दस भाई, ऐसा तेरा लगी भाई। क्या अच्छा तेरे कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे? मेरे 1000+ है। अच्छा तो वो ये है कि तूने ना स्टोरी हाईलाइट में भी डालनी है, स्टोरी ना वो हाईलाइट में भी डालनी है। तो अब बता तू क्या चार्ज करेगा एक ब्रांड की स्टोरी लगाने में? क्या कह रहे हो? मैंने कहा तू क्या चार्ज करेगा स्टोरी लगाने में? यार मेरी बात सुन, अभी मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं है, तो थोड़ी देर वेट कर ले, उसके बाद मैं तुझे जरूर बताऊंगा। यार यार मेरी बात सुन, 100 रुपीज बहुत है। मैंने कहा 100 रुपीज बहुत है। कितने? 100 100 रुपीज। अंदर ठीक है भाई, यार विनो इतने सस्ते में लगा देगा। अंदर भाई तुझे मेरी बात सुन, अब देख मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना? तो अच्छा ये तो बता किस कैटेगरी का है? मेरी जान तेरे साथ शुगर लगा हूँ, एक प्रैंक वीडियो बनानी थी इसलिए कोई मैं कहीं भी नहीं आया हुआ यार, एक शुगर था छोटा सा। पीडो पीडो फुल एक्साइटेड हो गया। अच्छा यार चल मैं तुझे मिलता हूँ फिर करते हैं, मैं वीडियो बना रहा था। अच्छा, चल सही है, ओके, अल्लाह हाफिज। इसके साथ मजा है। अभी मैं राशिद, बल्कि एक हमारे पास टिकटॉक का नंबर है, तो बल्कि राशिद को याद पहले कर देते हैं। राशिद इसको भी कॉल करेंगे और उसको हम कहेंगे कि यार मैं पास के मुझे पैसों की जरूरत है, देख के बना। इसका नंबर ही बन जा रहा है। खैर हमारा एक और दोस्त है अब्दुल्ला, इसे हम कर देते हैं कॉल। सिर्फ हम कॉल करेंगे और इसे मैं यही कहानी दूंगा कि यार मैं जगह फंस गया हूँ और मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, देखते हैं क्या कहता है। कॉल ही नहीं उठा रहा। खैर एक और मेरे पास नंबर है हनान टिकटॉक का, इसे हम कॉल करते हैं और इसे हम कहते हैं कि हमने आपसे प्रमोशन करवानी है हनान भाई, तो आप क्या चार्ज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हनान साहब, बात कर रहे हैं जी, आप कौन? आप टिकटॉक बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा हनान साहब एक बात थी, हमने ना आपसे अपने आपकी टिकटॉक की वीडियोस में ना एक प्रमोशन करवानी थी। अच्छा जी। नहीं उमर दे भाई बोल रहे हैं? नहीं नहीं मैं कोई और बात कर रहा हूँ, हमने ना प्रमोशन करवानी है, हमारा एक ब्रांड है उसके हिसाब से। अच्छा जी, तो आप अपनी वीडियोस में अगर ऐसे कोई सीन बन सकता है? क्या बन सकता है? मैंने कहा ऐसा कोई सीन बन सकता है कि आप प्रमोशन कर दें? नहीं अभी तो हमारी नहीं प्रमोशन हुई थी, थोड़ी सी देर बाद। अच्छा नहीं मतलब हो सकता? नहीं हो सकता। चलें शुक्रिया भाई, इस बंदे ने तो वो पे जवाब दे दिया। खैर उसी कॉल में मेरे एक दोस्त अब्दुल्ला की कॉल आ गई, उसे कॉल बैक करेंगे, कॉलेज का दोस्त है, हम कहेंगे पैसों की जरूरत पड़ गई, इसने तो भाई लिफ्ट ही नहीं कराई। शरीफ आदमी था, पैसों की लालच नहीं थी इसे, और क्या मतलब होता ना, हाँ कर सकते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है अभी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहचाना? कौन सर पहचाना ही नहीं आपने, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। अच्छा जो रंजो अलम मिलता है अपनों से वो कहाँ जमाने से मिलता है। सर पहचान लिया, मैं अहमद कह नहीं सकता। सर मेहरबानी सर, थोड़ी किधर हो सर? घर। सर कोई दीदार ही नहीं तुसी करांदे? किथे हैं सर? गल है वा कि मैं ना तेरा दोस्ता ना आया सी बाहर, ते मेनू ना असी बैठे हुए एक जगह, ते मेनू पैसों की लोड पै गई है, मेरी जेब च 1200 रुपया, ते मेरा बिल बन गया वा 3200 रुपया, ते बाकी पैसे हुण मेनू चाहिए है, मतलब सब की करना हुण? ओ यार मैं ना हूं फस गया वहां मिला चौंक, हाँ
ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲ ਜਾਈ ਗਾਲੀ ਕੋਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਆ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੈਫੇ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1700 ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਕੋਈ 1000-1200 ਮੈਂ 1700 ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ 3200 ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 500 ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਯਾਰ 500 ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਫੋਰੀ ਫੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੂੰ ਓਕੇ ਕਰਾ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੈਫੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਦੇ ਭਰਦਾ ਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਨੀ ਭਰੀ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਤਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਨੀ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਐਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਜਦ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ 2 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਓਕੇ ਸਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ सो यार ये थी आज की छोटी सी वीडियो हमने कुछ दोस्तों के कुछ कजनों के तंग किया उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें कुछ भी करें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें और इंस्टाग्राम पे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा भाई आपका शायरी भी करता है थोड़ी सी अभी तो मेरे ख्याल से वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन आपको अगली वीडियो में शायरी भी सुनाएंगे अपनी पोइट्री भी सुनाएंगे और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें पोइट्री के लिए थैंक यू सो मच उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी अल्लाह हाफिज़